माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब गाइस, केम छो तमे बद्दा गाइस। तो आज है तीसरा दिन नवरात्रि का और अभी बजे है मॉर्निंग के 8 और हम जा रहे हैं दे की स्कूल। आज गरबा खेलेंगे सब लोग और दियई इतना क्यूट लग रहा है ना। दियई ने कोटी पहनी है और कुर्ती पहनी है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम पीटी सर, पीटी सर एक्सटी।
2 hours later. तो गाइज आपको आगे का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में. आज बहुत ही गरबा खेला सेकंड लेवल. वैसे हमारे ब्लड में है भाई गरबा खेलना, तो मैं सीखना ही नहीं पड़ता है. बट हमारे घर में हमारा धीरे भाई है जो किसी की नहीं सुनता है, सिखाने वाले घर में ही है. मैं जिगू भाई हम सब सिखाने वाले हैं, पर धीरे भाई हमारा हमारी सुने तो ना, नहीं शिवानी किसी की नहीं सुनता है. बापरे. और जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, जिद्दी होता जा रहा है, किसी की नहीं सुनता है और ऐसे ही बेवजह जिद करता रहता है. क्या करना चाहिए अभी? मैं फादर को बोलने ही वाली थी कि जय मेरी बात नहीं सुन रहा है. मैं बोल रही हूँ कि चलो जय हम हीच खेलते हैं, टिटोड़ा खेलते हैं. तो कल इतना एक्साइटमेंट था, सुबह हम तो कैंसिल ही कर रहे थे कि नहीं भेजना है उसको, फिर भी उसने जबरदस्ती जागा, भी खुद भी जागा, सबको जगाया सुबह जल्दी. ट्रेडिशनल पहना, फिर ट्रेडिशनल मतलब कोटी पहना, फिर यहाँ पे आया, थोड़ी देर खेल रहा था, फिर उसका फेवरेट राउंड शुरू हुआ टिटोड़ा, तो उसमें बैठ गया मुंह फुला के. वही हमारा धीरे भाई का कुछ ऐसा है. कोई नहीं, चलो बच्चा है चलता है. मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि हमारे गुजराती में बोलते हैं कि अपना कान अपने ना विंधी सके, है ना. પારકી માં કાન વીંધે, અમારા કાન અમે ના વીંધી શકીએ. તો હવે ધીરે ભાઈ માટે મારે છે ને કઈક અલગ વિચારવું પડશે. તો અમારા બચ્ચે કે લીએ હમે કુછ અલગ સોચના પડેગા. દેખતે ચલો કુછ કરેંગે, ક્યોંકિ હમારે તો સુનગા હી નહીં. ગરબા સિખાને વાલી મેં હું, ડાન્સ સિખાને વાલી મેં હું, ઘર મેં હી હૈ સબ. બટ પ્યાર સે બોલો, ડાંટ કે બોલો, રિસામણા મનામણા કરકે બોલો, કિસે ભી કરકે બોલો, વો નહીં સુનતા હૈ, નહીં હી સુનતા હૈ. मैंने सोचा था कि वो क्या, मुझे वैसे मुझे पता ही था कि वो गरबा नहीं खेलने वाला है. तो जी हमने सोचा ही था कि भाई हमारा दी भाई गरबा नहीं खेलने वाला है, और फिर भी उसको स्कूल जाना है. और ये अच्छी बात है कि उसको स्कूल जाने अच्छा का लगता है, हाँ एक्साइटमेंट ज्यादा है, तो वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है. बट मुझे पता था कि वो गरबा नहीं खेलने वाला है. और अभी क्या है कि एग्जाम आने वाली है, 14 तारीख से उसकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, और 11 तारीख को फर्स्ट पेपर है ड्राइंग का, नहीं सॉरी कंप्यूटर का, है ना. तो अभी क्या में ले जाने वाले, तो अभी रिवीजन करवा रहे हैं. तो मुझे पता था कि भाई वो गरबा नहीं खेलेगा और स्टडी भी नहीं होगी, तो मैंने कहा कि तू सोता रहे ना, तो उसको स्कूल मत जाना. बट नहीं भाई, मुझे जाना है स्कूल, मैं जाऊंगा, मैं गरबा भी खेलूंगा. ना ही वरना मेरा नाम निकाल देंगे. गुस्सा, कितने एंग्री थे फादर, बहुत ही सब पर इतना एंग्री हो गए थे ना सब. मैं वो क्रॉस कर देंगे क्या? तो मैं स्कूल कैसे जाऊं? क्या क्रॉस कर देंगे? मैं नाम ने अच्छा ऐसा क्रॉस. ओके, वैसे तू थोड़ा गरबा खेला, अच्छा लगा तुझे? हां. ओके, थोड़ा ही था चलो. ओके, तो वो तुझे कौन सा स्टेप पसंद है, वो टिटोड़ा वाला? हां, नीच वाला. ओके, देखो नीच वाला स्टेप ज्यादा पसंद है, टिटोड़ा भी बोलते हैं, हीच भी बोलते हैं, तो बस वो आता है देखो. बाकी दे इमोजी करता है. मैं आगे उसको सिखाऊंगी, अगर वो मेरे पास नहीं सीखेगा तो कुछ प्लान करेंगे हम. मैंने सोच के तो रखा है, बट देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं. The next day. तो गाइस दूसरे दिन व्लॉग का एंड करते हुए, और कल हम आए घर, फिर पेन कुछ थोड़ा ज्यादा था पेन, और आँख में नींद भी पड़ी थी और मूड भी नहीं था. तो बस क्या किया था आकर, नहीं थोड़ी हेल्प करवाई मम्मी को, फिर थोड़ी देर में सो गई थी. और अभी थोड़ी सेवा हो रही है मेरी, थोड़ी तो नहीं पर बहुत ही ज़्यादा वाली सेवा हो रही है, क्योंकि प्लास्टर नहीं करवाया है अभी तक. और सोच रही हूँ करवा लूँ, बट कल मैंने फ़ोन किया था तो सैटरडे और संडे डॉक्टर नहीं रहते हैं हॉस्पिटल, तो आज फिर से इसके पहले भी ये हमने क्या उपयोग उपचार क्या बोलते हैं इसको, घर गत्थू उपचार. मैं दिखाती हूँ आपको, तू क्या भाई है ना शिवानी, घर गत्थू उपचार अथवा तो घरेलू नुस्खे. घरेलू नुस्खे, ओके. तो ऐसा कुछ है, हल्दी ऐसे
बनाई, बाजरे का आटा, हल्दी और नमक डाला। ओके, फिर ऐसे इसको गरम किया। ओके, वो लगा रहे। ओके, तो बाजरे का आटा, हल्दी, नमक मिक्स करके गरम किया और फिर यहाँ पर लगाया है। देखते हैं, चलो कल तक मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, फिर देखते हैं क्या करें। अब बच्चे तुम्हारी सेवा कर, अब बच्चे तुम गड़बड़ में ठाके ना क्यों चापन। મમ્મી એટલો તોફાન થઈ ગયા છે ને, એટલો તોફાન થઈ ગયો ને મમ્મી, કાલે તમે જો ને તો હું એ રમે ને, કે એના માટે હું પોતે રમવા ગઈ, મને પગ દુખે છે કે કેમે એ રમે, શૂટ કરીએ, પણ શું કરું, પણ મમ્મી ફટાઈ કૂતું એનું, તમે જો ને તો પાછું માને નહીં મમ્મી, ઘડીકમાં માટે નહીં કઈ કે ધ્યેય હું રમું તારી સાથે કે નહીં, તું સમજાવ શું બોલે, ઘોઘા કૂટે છો, ઘોઘા કૂટે છે, ધીરે ઘોઘા કૂટે છે, શું બોલે ધ્યેય તું, કઈ નઈ હાલો ખરેખર આપડે તો બીજો વીરો અને છે ને કોક વડીયો જાય છે ઘરમાં, અત્યારથી એ બોલો કે મને આ શીખાડે તો મારા ફ્રેન્ડ્સ હશે નહીં, અને કરવું શું બોલ, છોકરો છે આ તો, કઈ તું શું બુક લઈને આવ્યો, શું ટીવી તો ફાઈનલી યહાં પર પટ્ટી બાંધલી હૈ ઓર દો દિન રખતી હું, દેખતે હૈ થોડા પેન કમ હો તો અચ્છી બાત હૈ, બાકી તો ભાઈ યે સારા ચલતા રહેતા હૈ લાઈફ હૈ। ચલો તો ફાઈનલી યે વ્લોગ મેં યહીં પર એન્ડ કરતી હું, હોપ આપકો અચ્છા લગા હોગા, પ્લીઝ લાઈક કરના, શેર કરના, જિન લોગોને અભી તક ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કી હૈ વો પ્લીઝ જલ્દી જલ્દી સબસ્ક્રાઇબ કર લો, ઓર જો લોગ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓર ફેસબુક સે જુડના ચાહતે હૈ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जल्दी जाइए क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम फेसबुक फैमिली भी बन जाइए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए माधव हरजे माता दी, बाय एंड टेक केयर।